भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य पूरी तरह लॉकडाउन करके सभी गतिविधियां ठप करने का नहीं है, उन्होंने बताया कि हम लोग खुद भी समझते हैं कि इस वक्त वैक्सीनेशन और मेडिकल सर्विसेज जैसी गतिविधियां का चलते रहना बहुत जरूरी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट से बात करके जल्द से जल्द इस तरह का निर्णय लिया जाएगा कि लोग खुद ही भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाए और अनावश्यक आवागमन और मूवमेंट ना हो, इस प्रकार के कोरोना कर्फ्यू का स्वरूप बना कर दिया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है। मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है, उद्देश्य पूरी तरह से लॉकडाउन करके सभी गतिविधियां ठप करने का नहीं है। हम लोग स्वयं समझते हैं कि इस समय कुछ गतिविधियां जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, मेडिकल सर्विसेज हो गया, उन सबका सतत चलते रहना बहुत आवश्यक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट पे चर्चा करके इसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा कि जिससे कि लोग स्वतः ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोक सकें, भीड़भाड़ ना रहे, अनावश्यक आवागमन ना हो, मूवमेंट ना हो, लेकिन जो बहुत ही आवश्यक गतिविधियां हैं, उदाहरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में वैक्सीनेशन है, तो हमारी ऐसी जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो चलती रहें। इस प्रकार के कोरोना कर्फ्यू का जो स्वरूप है वो बना के इम्पोज किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं।